ऊनागाम के बाद उधना पुलिस की अमानवीयता सामने आई। चोरी के शक में युवक को बेल्ट से पीटा। घायल युवक न्यू सिविल अस्पताल में भर्ती। हाल ही में सूरत के पुनागाम थाने के 8 पुलिसकर्मियों द्वारा 2 युवकों को बेरहमी से पिटाई की घटना सामने आई थी। इतना ही नहीं, इस घटना में एक PSI को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले में शामिल पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया है। इस बीच एक और घटना सामने आई है, अब उधना पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है। उधना थाने की पुलिसकर्मियों द्वारा एक युवक पर चोरी के संदेह में बेल्ट से पीटने का आरोप लगाया गया है। उधना के मस्ताना नगर के रहने वाले 23 वर्षीय अमीन यासीन शेख को न्यू सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके भाई मोहम्मद हुसैन और नदीम ने आरोप लगाया है कि परसों के दिन उधना बस डिपो के पास से चोरी के संदेह में उधना पुलिस के कर्मी उसे पकड़ कर ले गए। उसके बाद पुलिसकर्मी मुकेश गामेद समेत 2 से 3 पुलिसकर्मियों ने बेल्ट से पीटा। पिटाई की वजह से उसके एक कान, हाथ और पीठ में चोट आई है। उसका खून भी बहने लगा था। इतना ही नहीं, पुलिस की अमानवीयता तब सामने आई जब उसका जमीन पर गिरा खून भी उसी से साफ करवाया गया। पुलिस उसे सुबह से ले गई थी और रात को 10 बजे से 10:30 बजे तक छोड़ दिया। जब हम उसे घर ले गए तो उसे उल्टी होने लगी, इसीलिए उसे तुरंत न्यू सिविल अस्पताल ले गए। पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी गुहार है कि अमीन को पीटने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही हो और उसे न्याय मिले। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।